आज एडवांस नेटवर्क की क्लास में WTR 2965 3925 लेटेस्ट SDR MT RF सैमसंग RF का लेटेस्ट सर्किट डीप लेवल सिर्फ स्कीमेटिक या बोर्नियो से नहीं पढ़ाया, बल्कि एक एक IC PAD की जानकारी और उसका सोल्यूशन दिया, वो भी लाइव हैंडसेट में। स्टूडेंट ने अपने बोर्ड में प्रैक्टिकल किया और एक एक स्टूडेंट्स ने सर्किट को एक्सप्लेन किया। 28 दिसंबर बैच के स्टूडेंट, मैं जानना चाहता हूँ नेटवर्क क्लास थी, किस किस को अच्छा नॉलेज मिला? जल्दी पक्का, ऐसा तो नहीं कि इसे बोल दिया WTR चेंज कर दो। एक है पैड का नॉलेज किस किस को मिला? अच्छा, मैंने बहुत सी कोशिश की कि डायग्राम से ना पढ़ाया। हेलो, अगर मैं सारे PFO की बात करूं, APD मॉडलेटर की बात करूं, या WTR के वोल्टेज की बात करूं, बिना डायग्राम के कौन कौन ढूंढेगा? जल्दी बताओ, आज कल करके बताओ, अभी ढूंढेगा कि नहीं ढूंढेगा? कल आपने चार्जिंग सेक्शन में किस किस ने BQ बनाई? हेलो, डबल BQ का सर्किट घुसा कि नहीं घुसा? घुसा तुम्हारे दिमाग। और आज हमने बात की, हमने सिर्फ चाइना के मॉडल नहीं पढ़े, हमने बेसमेंट का फॉल्ट समझा, हमने RFFE का फॉल्ट समझा। हेलो, RFFE सॉल्यूशन किस किस के पास है? जल्दी बताइए, बेसमेंट अननोन सॉल्यूशन किस किस के पास है? अभी ऐसा तो नहीं कि कोई भी IC पे उठा के काम करोगे? हमने पढ़ा कि चाइना IC पे कैसे काम करना है। अच्छा, PFO लगाने का टेक्निक अब किस किस के पास है? एक बार में PFO किस किस की लगेगी? ये तो नहीं कि उठाया और लगा रहे अंदाजे से। अच्छा, मुझे एक और बताइए, और इवन सैमसंग में जो हमारा एयरप्लेन मोड आता है जनरली सब बोर्ड से, तो अब उसका बेसिकली ट्रेसिंग का तरीका किस किस के पास है? हेलो, बिना डायग्राम के हमने SDR पढ़ा, मीडिया टेक पढ़ा, सैमसंग पढ़ा, हमने WTR पढ़ा, 2965 3965, कितनी सारी IC पढ़ी हमने, PFO पढ़ी, PFO के अभी हमने बहुत सारे पैड पढ़े। हेलो, हाई बैंड एंड लो। चलिए, तो हमारे साथ है 28 दिसंबर की बैच। कौन कौन लाइव है? सब लाइव है? तो ये बताइए, क्या क्लास थी आज हमारी? नेटवर्क किसके साथ था? देव सर के साथ था नेटवर्क सेक्शन आपका। तो अभी टाइम क्या हो रहा है? 10:30 बज रहा है सर। अच्छा, ये बताइए, क्लास कब से शुरू हुई थी? 10 बजे से शुरू हुई थी। 10 बजे नेटवर्क का क्या नॉलेज था और अभी 10:30 बजे क्या नॉलेज है? 10 बजे क्या नॉलेज था आपको नेटवर्क? एक भी IC के बारे में कुछ नहीं नॉलेज था अभी सर, जितना भी मतलब नेटवर्क सेक्शन में IC लगा हुआ है उसका टोटल नॉलेज है। टोटल नॉलेज आपके पास? चलिए, तो अब ये बताइए मुझे कि जो आपको देव सर ने पढ़ाया वो, हेलो, यस सर, जो भी आपको देव सर ने पढ़ाया, क्या वो एक 2965 WTR IC पे पढ़ाया? नहीं सर। खाली MediaTek 61 पे पढ़ाया? नहीं सर। खाली SDR पे पढ़ाया? नहीं सर। खाली S9 पे पढ़ाया? नहीं सर। यूनिवर्सल तरीके से पढ़ाया? नहीं सर। अभी आपने जब डायग्राम की, जब आपने बोर्ड की ट्रेसिंग करी, लाइव प्रैक्टिकल किया यहाँ, तो क्या आपने डायग्राम खोल के करा था क्या? हेलो, किसी ने भी डायग्राम खोला क्या यहाँ पे? अच्छा, ये बताओ ईमानदारी से कि इंस्टीट्यूट में जाते तो सबसे पहले डायग्राम चलाना सिखाते हैं? यस सर। अच्छा, हमने यहाँ से अभी तक कोई डायग्राम सिखाने की क्लास नहीं ली। कारण क्यों? लाइव ट्रेसिंग हो रहा ना डायग्राम। अच्छा, अब तुमको कोई भी काम करने को, बोर्ड को देखने में, चार्जिंग सेक्शन को एक्सप्लेन करने में या समझने में आवश्यकता पड़ रही क्या डायग्राम? आपके पास तरीका कौन सा है? यूनिवर्सल तरीका आपके पास? जो लाइनें हैं यूनिवर्सल तरीके से आपने समझी है, देव सर ने समझाई है और उसी का आपने प्रैक्टिकल किया है यहाँ पर। अच्छा, दूसरी बात ये पूछना चाहूंगा कि नेटवर्क में संबंधी अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, बेसमेंट अननोन आता है, लिस्ट नहीं बनती है, है ना, केवल 2G चलता है, 4G नहीं चलता है, इमरजेंसी मोड पे आता है, कॉलिंग के समय मोबाइल रिस्टार्ट मार जाता है, तो सबके सोल्यूशन है हमारे पास। अच्छा, तो कोई अपन ने ऐसा यहाँ पर नेटवर्क सेक्शन सिखाया कि सर दो कैपेसिटर ये बदल देना, 2G IC बदल देना, 4G IC बदल देना, इस तरह से सिखाया? ICO के प्रोटोकॉल से सिखाया हमने, IC के रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट को पूरी कैसे की जाए, उस तरीके से सिखाना। चलिए ठीक है, तो मेरे साथ स्टूडेंट है, प्लीज नाम बताइए अपना। सर, मेरा नाम विक्रम है। हाँ जी, बिहार से हूँ। हाँ जी विक्रम, तो बताइए कि 10 बजे आपको सुबह 10 मॉर्निंग में 10 बजे आपको क्या नॉलेज था और अभी
इवनिंग के 10:30 बज रहे हैं, क्या नॉलेज है आपको? सर मॉर्निंग में सर मुझे नेटवर्क आईसी के बारे में कुछ नहीं नॉलेज था, और अभी सर जितना भी मतलब नेटवर्क सेक्शन में जो भी आईसी लगा हुआ है उसका टोटल नॉलेज है, उसमें कितना वोल्टेज आ रहा है, कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, उसको मतलब काम किस ढंग से कर रहा है, कौन सी लाइन सीपीयू में जा रही है, वो टोटल नॉलेज हो गया। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, आप किस तरफ से थोड़ा इधर आ जाइए। तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, प्लीज नाम बताइए। सर मेरा नाम है जीवन राय। जी तो जीवन बताइए, एशिया टेलीकॉम में आज आपका नेटवर्क का क्लास 10 बजे क्या नॉलेज और रात के 10 बजे क्या नॉलेज? सर पहले तो कुछ भी नॉलेज नहीं था, अच्छा बहुत नॉलेज हो गया। बहुत नॉलेज हो गया। अभी मैं बात करूँ आपको कि आरएफई डेटा कब आपका रेडियो ऑफ है, तो रेडियो ऑफ का सोल्यूशन है आपके पास, नो सर्विस का सोल्यूशन है, लिस्ट बन रही है तो सोल्यूशन है, लिस्ट नहीं बन रही तो सोल्यूशन है आपके पास, अगर बेसबैंड अननोन आता है, आपको सॉफ्टवेयर पर काम करना है, आपको हार्डवेयर पर काम करना है, ये नॉलेज है आपके पास। अगर आपके वोल्टेज मिसिंग होते हैं तो किस कारण से मिसिंग होते हैं ये मालूम है आपको, अगर आपका अगर 0.9 वोल्टेज अगर मिस हो गया तो आप ढूंढ के ला सकते हैं उसको, डायग्राम के कि बिना डायग्राम के? बिना डायग्राम, बिना डायग्राम के। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, नाम बताइए। अफरीदी शेख। अफरीदी शेख, तो कहाँ से हैं आप? वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल के। तो अफरीदी 10 बजे मॉर्निंग में क्या नॉलेज था हमको और अभी इवनिंग में 10 बजे क्या नॉलेज? सुबह से कुछ नहीं जानते थे, अभी आसमान जमीन का पत्र समझ में आया। अच्छा, तो अभी अगर कोई सा भी बोर्ड हो अगर नेटवर्क बनाने के आएंगे तो कभी रिटर्न जाएगा क्या? नहीं नहीं, किस बोर्ड पे काम करना है, किस बोर्ड पे नहीं काम करना है, ये पता है आपको? सब पता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आरएफई डाटा की पाइपलाइन क्या होती है, कितनी आईसी को मिलती है, कहाँ से आती है, उस पर जीआर कितना आता है, कैसी फ्रीक्वेंसी आती है, तो आप बता सकते हैं आप? अच्छा, और आपको बहुत सी लाइनों को बाईपास करना बताया, जैसे अभी आपने यहाँ पर लाइव ट्रेसिंग किया था। हेलो, यस सर। मुझे इरिटेट करो यार, इरिटेट कर रहे हो आप। तो आपको यहाँ पर बाईपास कर सकते हैं, 1.8 की लाइन को कौन कौन बाईपास कर सकते हैं, 4 वोल्ट की लाइन को कौन कौन बाईपास कर सकते हैं, कुछ आईसीयू में आरएफई डाटा कॉमन आता है, उन कॉमन आरएफई डाटा को कौन कौन बाईपास कर सकते हैं? बाईपास कर सकते हैं हम? हर बात पे सीपीयू उठाने की जरूरत है क्या? नहीं सर। अच्छा, सीपीयू निकालने लगाने की प्रैक्टिस कैसी है हमारी? बहुत अच्छी है। अच्छा, खाली एक की है क्या? नहीं सर, पूरी क्लास की? नहीं सर। चलिए, तो हैंड स्किल भी हमारा अच्छा हुआ। अच्छा, ये आरएफई जो आती है 2GB आता है, 4GB आता है? इसको निकाल के लगाने की स्किल है आपके पास? तरीका है आपके पास? बिना टच करे आईसी लगा दोगे? चलिए, ऑल द बेस्ट। चलिए, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, प्लीज नाम बताइए। मेरा नाम धनंजय रवानी है। धनंजय, एशिया टेलीकॉम में आज आपका नेटवर्क का क्लास 10 बजे क्या नॉलेज था और आज क्या नॉलेज? 10 बजे उससे पहले भी मुझे कोई जानकारी, उसके पहले भी आपको कोई जानकारी थी, और अभी की बात करूं मैं तो? जी अभी बहुत सारी जानकारी है। अच्छा, आरएफई डाटा की लाइन के आरएफई क्या होती है, कितनी आईसीयू में जाता है, नेटवर्क कितनी आईसीयू से मिलके बना है, कब आपकी सीपीयू की लाइन आएगी, कौन सीपीयू से जाएगी, ये आपको नॉलेज है? जी, वो बता सकते। किन लाइनों को सीपीयू को देना जरूरी है आपको ये मालूम है? आपको किसको बाईपास करना है ये भी मालूम है आपको? अगर किसी भी प्रकार का अगर नेटवर्क में फॉल्ट आता तो आप बनाने में सक्षम है? चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, नाम बताइए। तो ये बताइए कि एशिया टेलीकॉम में आज आपका नेटवर्क का सेक्शन, अगर नेटवर्क सेक्शन अगर देव सर के अलावा दूसरा टीचर लेता तो क्या समझ में आ पाता? नहीं सर, नहीं आता, इतना डीप सर नहीं पढ़ा सकता कोई सर उनके अलावा। सर देव सर ने पढ़ाया है 2GPA, 4GPA, APTIC, RF, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया सर। अच्छा, दूसरी बात, अगर आपका सैमसंग का मोबाइल है और आपको हॉफ एरोप्लेन मोड आता है तो बना सकते हो आप? जी सर, बिल्कुल बना सकते। बनाने का स्किल है आपके पास? सर। चलिए ठीक है, और आपसे दूसरी बात ये पूछना, अगर कोई पेडलाइन अगर खराब हो जाती है तो आप बना सकते हैं? जी सर, बना। कुछ पेडलाइनों को बाईपास कर सकते हैं? यस सर। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, नाम बताइए। तो अफरोज, एशिया टेलीकॉम में आज आपकी नेटवर्क की क्लास 10 बजे, अफरोज को क्या नॉलेज था और अभी क्या नॉलेज? कुछ नॉलेज नहीं था, अभी बहुत नॉलेज है सर। जी, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 1.8 की लाइन का क्या काम है, अगर आपकी 1.8 की लाइन मिस हो जाती है तो क्या दिक्कत आएगी, यहाँ आपका 100 क्लॉक जी सर, हम प्रैक्टिक किए थे, अभी बोलिएगा तो हम आप सुना भी सकते हैं लाइव। हाँ, 100 क्लॉक अगर आपके आईसी से मिस हो जाता है तो क्या दिक्कत आएगा सर? उसको हम बात कर सकते हैं सर। हाँ, तो 100 क्लॉक की कहां से बनता है, कैसे आता है, किन कंपोनेंट से आता है, ये पता है आपको? जी सर। क्यों, ये क्यों पता है? क्योंकि आपने लाइव क्या किया है उसका? प्रैक्टिकल किया, प्रैक्टिकल लाइव किया। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, मेरा नाम अमित अग्रवाल है, मैं मथुरा से। हाँ अमित, तो अमित ये बताइए कि एशिया टेलीकॉम में आज आपका नेटवर्क का क्लास 10 बजे मॉर्निंग में 10 बजे हमको क्या नॉलेज था और अभी इवनिंग में 10 बजे क्या नॉलेज है? सर मॉर्निंग में सर कुछ भी नॉलेज नहीं था और अभी शाम को पूरा नॉलेज है, आज स्ट्रक्चर भी ये सब नेटवर्क वाला समझाया था, और सर जो पहले कंपोनेंट को नेटवर्क वाले सेक्शन में हाथ भी नहीं लगाते, आज समझ कुछ भी कर सकते। अच्छा,
अच्छा अच्छा, दूसरी बात आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपके पास नेटवर्क को बनाने से पहले कनेक्टर के पास जाने से पहले आपको पूरी आईसीयू की समझ है कि नहीं है? क्योंकि हमारा नेटवर्क का 8 से 9 आईसीयू के बीच में क्लब होता है कि नहीं? 8 से 9 आईसीयू के बीच में हमारा नेटवर्क क्लब होता है, तो नेटवर्क बनाने से पहले पूरा उसका जो डायग्राम होता है, उसका जो जाल होता है, लाइनों का जाल होता है, तो वो हमको समझ में है कि नहीं बनाने से पहले? जी सर, नॉलेज है उसके बारे में, पूरा स्ट्रक्चर की नॉलेज है अभी। पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है नेटवर्क का, ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, कौन सी लाइनें आनी है, कौन सी लाइनें जानी है, कहाँ जी आर है, कहाँ वोल्टेज है, किस लाइन को बाईपास किया जा सकता है, किस लाइन को बाईपास नहीं किया जाता, ये नॉलेज है हमको। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, नाम बताइए। सर विवेक गुप्ता जी। तो विवेक गुप्ता, ये बताइए कि एशिया टेलीकॉम में आज आपका नेटवर्क का क्लास 10 बजे, नेटवर्क में क्या नॉलेज था और अभी क्या नॉलेज है? उस टाइम में कुछ समझ नहीं था, अभी बहुत कुछ नॉलेज है नेटवर्क सेक्शन के बारे में। नेटवर्क सेक्शन के बारे में बहुत कुछ। नेटवर्क बनाने से पहले नेटवर्क की सारा ब्लॉक डायग्राम आपके दिमाग में है? जी सर। दिमाग में होने के बावजूद आपने लाइव प्रैक्टिकल किया कि नहीं? आपने एक्सओ की लाइन को ढूंढा है कि नहीं? आपने आरएफई, जो आरएफ की आरएफई होती है, उसके लाइन को ढूंढा है कि नहीं? डीआरएस की आरएफई होता है, उसके प्रैक्टिकल किया कि नहीं? किया। सीपीयू तक कौन कौन गया यहाँ पर? सीपीयू तक आपके एक नेटवर्क की आईसी से लेकर सीपीयू तक, ऐसी कौन सी नेटवर्क में आईसी जो सीपीयू से नहीं जुड़ी हुई है? सारी आईसी हमने सारी आईसी को सीपीयू में जाके देखा कि नहीं देखा? डायग्राम का देखा कि बिना डायग्राम के? बिना डायग्राम के लाइन को टेस्ट किया सीपीयू से, पावर एसी से, क्या है? अच्छा, बीच में कौन से कंपोनेंट आ रहे हैं ये भी देखा? चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। तो चलिए मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, नाम बताइए। संदीप, 10 बजे क्या नॉलेज और अभी रात के 10 बजे क्या नॉलेज? सर अभी सर मेरा नॉलेज सर सर क्लास लगने पहले सर मेरा कुछ नॉलेज नहीं था नेटवर्क सेशन के बारे में। सर अभी नेटवर्क सर क्लास खत्म होने के बाद मेरे को बिल्कुल सर नॉलेज हो गया है नेटवर्क सेशन में कितनी ऐसे होती हैं, कौन सी वर्क करती है, और सर कहाँ से उसकी पहली लाइन आती है, कहाँ से सर कनेक्शन जुड़े होते हैं सर। अच्छा, दूसरी बात ये बताइए मुझे कि अगर कोई जैसे अगर 100 की लाइन आपकी मिस हो जाती है तो क्या खराबी आएगी, और अगर आपका 1.8 मिस हो जाता है, डीआईजी वोल्टेज अगर आपका मिस हो जाता है तो क्या खराबी आएगी? सर हमारा 1.8 मेरे को आपको बताना नहीं है यहाँ पे, आपको नॉलेज है कि नहीं है? सर बिल्कुल है। अगर 100 की लाइन किसी ने ब्रेक कर दी और सारे कंपोनेंट रास्ते के हटा दिए तो आप बना सकते हो? बिल्कुल। 100 बनता कहाँ से, आता कैसे, ये मालूम है आपको? क्या हम उस पर डीएसओ लगा के चेक कर सकते हैं या मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं, ये नॉलेज है आपके पास? चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। तो हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, प्लीज नाम बताइए। मेरा नाम बरकत अली, यूपी से। बरकत अली, 10 बजे बरकत को क्या नॉलेज था नेटवर्क के बारे में और अभी क्या नॉलेज है? जेब निकल मालूम नहीं था, लग रहा था जंजाल में फंस गए हैं जी, मगर अब लग रहा है कि हाँ बना देंगे, आसान है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि नेटवर्क में 9 आईसी एक दूसरे से जुड़ी होती है, तो पूरी 9 आईसी का नॉलेज का है हमको कि कौन सा पेट किससे जुड़ा है, कौन सा पेट आएगा, कौन सा पेट जाएगा, कौन सा सीपीयू में जाएगा, कौन सा पावर से आएगा, कौन सा DC to DC से आएगा, और रास्ते में क्या मिलेंगे, है ना, कौन से बैंड पे काम करना है अगर हमारी पर्टिकुलर कोई सिग्नल चलती है, उसी लाइन का हमारी मिस होगी उसी लाइन को पकड़ेंगे हम, और उससे पता चलेगा हम क्या क्या। तो आपको डायग्राम की जरूरत पड़ेगी कि बिना डायग्राम? कोई डायग्राम की जरूरत नहीं। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। चलिए आइए। तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, प्लीज नाम बताइए। मेरा नाम राम कुमार है। राम कुमार, एशिया टेलीकॉम में आज आपका नेटवर्क का सेक्शन देव सर के साथ क्या नॉलेज दिया? देव सर नॉलेज दिया, तो उस नॉलेज का जितनी देर आपने 10 बजे से शायद 4 बजे या 5 बजे तक आपकी क्लास चली थी? जी सर। चली थी आपकी? जी सर। तो 10 बजे मतलब 7 घंटे की क्लास चली थी, तो 7 घंटे की क्लास को आके यहाँ पे बुनाया कि नहीं बुनाया? बुनाया सर। किस किसने बुनाया यहाँ? जी सर। सबने बुनाया? जी सर। एक एक प्रैक्टिकल कराया चीजों का? जी सर। डायग्राम को एक्सप्लेन कराया? जी सर। खुद से प्रैक्टिकल कराया? जी सर। क्या हमको इसमें डायग्राम खोलने की जरूरत पड़ी? नहीं सर। किसी भी प्रकार का डायग्राम खोलने की जरूरत पड़ी नहीं? विदाउट डायग्राम हमने बनाया। क्या हमने अभी आपको कोई स्केमेटिक डायग्राम या बोर्डियो चलाना सिखाया? सिखाया क्या बताइए? आपको एक एक चीज बारीकी से सिखाई, पर बाकी डायग्राम तक हमने तुमको फाइट करने वाला बनाया, हमने ऐसा बनाया कि आप बिना डायग्राम के काम कर सको। yes, है ना, चाहते तो 2 लाइन आपको समझा के यहाँ से घर पहुँचा सकते थे, पर बाकी हमने ये काम कभी नहीं किया हमने आपको। yes, sir, है ना, ऑलवेज आपके माइंड की थिंकिंग, ना ही हम कभी जीवन में एशिया टेलीकॉम के इंस्टीट्यूट में जो स्टूडेंट है उनको कभी अपाइज बनाएंगे। अपाइज बनाने का मतलब क्या कि जब तुम्हारे पास फोन आया तो तुम मेरे को फोन नहीं लगाओ, इस लायक नहीं बनाया मैंने इस लायक बनाया कि खुद फॉल्ट से आप बना सको इसको। चलिए, तो ये बताइए मुझे कि अभी नेटवर्क सेक्शन में जो आपने पढ़ा है, अगर कोई सा भी मोबाइल पर मैं नेटवर्क का प्रॉब्लम आता है तो आप डायग्नोस करके फॉल्ट निकालने में सक्षम है कि नहीं? सर। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। तो
वन अनदर स्टूडेंट प्लीज नाम बताइए। मेरा नाम जसवंत है। जसवंत 10 बजे क्या नॉलेज था बेटा और अभी क्या नॉलेज है? सर सुबह तो सर नेटवर्क के बारे में सर कुछ भी नॉलेज नहीं था जी। सर अभी तो सर इतना नॉलेज है सर, नेटवर्क कौन सा भी मोबाइल का नेटवर्क प्रॉब्लम आएगा तो हम कर सकते हैं। अच्छा देखो उड़ीसा से आए हो आप, बहुत दूर से आए हो और ये होप लेके आए हो कि मैं अच्छे से अच्छा सीख के जाऊँ, तो जो अच्छे से अच्छा सीख के जाने के बीच में जो दूरी है, मिस्टर देवरतन अग्रवाल सर एशिया टेलीकॉम के ऑनर है यहाँ पर, उनकी जो दूरी है तो वो उनकी क्या भूमिका है तुम्हारे मोबाइल की लाइन में? तुम खुद यहाँ सीखने आए हो, क्या भूमिका है उनकी? सर को तो हम देख कर आए थे, सर अच्छा पढ़ाते इसीलिए हम देख कर सर को आए थे। एक आए थे तो वो चीज़ मिली कि नहीं मिली जो आपने यहाँ लेके? देखो वो बहुत लेट 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 मतलब आपसे बहुत दिन बाद बात कर रहा हूँ ये कि वो चीज़ मिली कि नहीं जो इसकी तलाश में आप आए सर? हाँ सर एक एक चीज़ मिली है आपको सर। अच्छा दूसरी बात ये है कि अभी नेटवर्क कैसा लगता है उनको? सर अभी सर नेटवर्क सर जैसा लगता है हम सर नेटवर्क का सर देख लेंगे तो नेटवर्क ऐसे पहचान लेंगे सर। अच्छा पेड लाइन बना लेंगे हम उसको सर। आईसी उठाने के बाद अगर हमारे आईसी चेंज कर दी और आईसी चेंज करने के बाद भी हमारा काम नहीं हुआ तो क्या हम पेड लाइन पे काम कर सकते हैं? अगर एक मैं तुमसे पूछूं कि अगर 100 की लाइन अगर आपकी खराब है, आप वोल्टेज चेक कर रहे हैं 100 की लाइन पे और 100 की लाइन खराब है, वो एसडीआर लगा हो, 61 लगा हो या कोई सी भी आईसी लगी हो और आपकी 100 की लाइन मिस है तो वो ढूंढ के ला के बना सकते हो आप? उसमें कौन सा अराइवल के लिए कंपोनेंट लगेगा ये मालूम है आपको? आरएफई डाटा कोई सी भी आईसी से मिस होता है तो बना सकते हो आप? कौन से आरएफई डाटा को बाईपास कर सकते हो, कौन सा सीपीयू से लेना होगा ये पता है आपको? चलिए ठीक है ऑल द बेस्ट। चलिए तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, नाम बताइए। जी सर मेरा नाम दीपू है, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। दीपू एशिया टेलीकॉम में आज आपका नेटवर्क सेक्शन 10 बजे, दीपू को क्या नॉलेज था और रात के 10:30 बजे का कुछ नॉलेज नहीं था। 2GPA क्या होता है, 3G, 4GPA क्या होता है, RF क्या होता है कुछ नॉलेज नहीं था। आज देवरतन सर की क्लास थी, बहुत ही अच्छा करके डिटेल से समझाया है और यूनिवर्सल तरीके से पढ़ाया है, जो कोई भी सेट आए तो हम लोग बिना डायग्राम के बना सकते हैं। तो अभी क्या अभी जो नेटवर्क है, जो नेटवर्क में अभी प्रेजेंट में फॉल्ट आ रहा है तो क्या हम उसको बनाने में सक्षम है? जी सर सक्षम। एक एक चीज़ों का नॉलेज है हमको जी सर। अगर मैं बात करूँ, अगर आपके सामने 4G IC लगी है तो इसकी जो 4G IC की जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो बिना डायग्राम के ट्रेस कर सकते हैं? चलो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने 2G भी बदल दिया, 4G भी बदल दिया, CPU को रिवाल्व भी कर दिया, RFIC भी बदल दी, तो आप बोर्ड में क्या खराबी है ढूंढ सकते हो? जी सर हैंड आउट कर सकते हैं। चलिए ठीक है। तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, नाम बताइए। सर मेरा नाम अफसर है, मैं बेंगलोर से आया हूं। अफसर ये बताइए कि एशिया टेलीकॉम में आज नेटवर्क की क्लास 10 बजे अफसर को क्या नॉलेज था और अभी क्या नॉलेज है? सर बेसिक से एडवांस तक की नॉलेज हो गई है सर जी। सेक्शन सुबह देव सर की क्लास थी और उन्होंने पूरा डेटा हमको पूरा 0 से 100 तक पूरी नॉलेज दी हमको जी। और कौन सा कॉम्पोनेंट, कौन सी IC क्या काम करती है, कौन सी लाइन कहाँ से कहाँ जाती है, किस लाइन को बाईपास कर सकते हैं, कौन सी डेटा की लाइन है, कौन सी वोल्टेज की लाइन है, 4GPA क्या है, 2GPA क्या है, ये सब सिखाया गया है। तो नेटवर्क बोल सकता हूँ कि अब बने बिगर नहीं जाए? नहीं बने बगैर नहीं जाए। चलिए ऑल द बेस्ट। तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, प्लीज नाम बताइए। क्लास तो एशिया टेलीकॉम क्लास को 10 मॉर्निंग में 10 बजे क्या नॉलेज था और अभी रात को क्या नॉलेज है? 10 बजे बहुत ज़्यादा नॉलेज है। सुबह हमारा देव सर के साथ से क्लास हुआ जी, नेटवर्क सेक्शन का, 2G IC, 4G IC, RF, DRX का सब मतलब उन्होंने पढ़ाए अच्छी तरीके से और शाम को प्रैक्टिकल भी हुआ है। बहुत ज़्यादा नॉलेज है, पहले तो मतलब नेटवर्क सेक्शन में कुछ भी काम नहीं आता था जी। अभी बैक टू बैक सारी आईसीयू पे काम कर सकते हैं सर। बात करें हम पेड लाइनों की तो पेड लाइनों का सारा प्रैक्टिकल किया है, कौन सी लाइन CPU में जा रही है, कौन सी पावर में जा रही है, कौन सी DC to DC में जा रही है, कौन सी लाइन को हम बाईपास कर सकते हैं, कब कौन सी IC खराब होगी तो हमें क्या प्रॉब्लम आएगी ये बताया कि नहीं बताया। तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, नाम बताइए। जी सर मेरा नाम सूरज जोंगर, मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ। हाँ जी, तो बताइए कि आज नेटवर्क की क्लास देव सर के साथ सवेरे 10 बजे क्या नॉलेज था और अभी रात के 11 बजे क्या नॉलेज है? सवेरे कुछ नॉलेज नहीं था सर, जब देव सर का क्लास होने के बाद थोड़ा डीप लेवल में नॉलेज हो गया जी कि 4GPA क्या है, 2GPA क्या है, ये सब सर। नहीं क्या है और बहुत अच्छा नॉलेज मिला है, इससे काम नहीं चलता जी सर। आपको क्या नॉलेज मिला यहाँ पे, क्या लाइव आपने ट्रेसिंग करा जी सर, एक एक लाइनों को समझा जी सर, कितनी लाइनें हैं नेटवर्क में आपको पता चला जी सर, और कितनी ICU से मिलकर बना है नेटवर्क ये मालूम पड़ा? देखो मैं तुमसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं अभी लाइव हूँ आपके सामने, लाइव हूँ आपको पढ़ाया है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, समझ में आ रही है? बताओ आपको पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया और किस लेवल से आपको सारे सेक्शन आपको ट्रेस करवाया? एक एक लाइन ट्रेस करवाई आपको? CPU तक भी जा सकते पावर
पावर तक जा सकते हैं, डीसी टू डीसी आईसी तक जा सकते हैं, बीच के अगर कंपोनेंट खराब हो तो वहां तक जा सकते हैं। वीरेम की पिन क्या होती है, क्या इम्पोर्टेंस होता है, ये हमको मालूम है जी सर। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। तो चलिए हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, शिवशंकर एशिया टेलीकॉम में। आज आपका नेटवर्क सेक्शन और 10 बजे शिवशंकर को क्या नॉलेज था और अभी क्या नॉलेज है? कुछ भी नॉलेज नहीं था, लेकिन अभी बहुत नॉलेज हो गया कैसे नेटवर्क सेक्शन काम करता है। हम लोग तो सब पहले बीपी बजाते रह जाते थे जी, सारा नेटवर्क के सारा सेक्शन में मतलब सारा कंपोनेंट बीपी बजता है। तो अभी नेटवर्क सेक्शन में एक बीप बजाने वाला काम रही है क्या? नहीं सर। नहीं सर, हमको डीओसी की जरूरत पड़ती है? नहीं सर, वो हमको डीओसी की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती नेटवर्क में? हाँ पड़ती है। उपयोग मालूम है कि नहीं है? यस सर है। अच्छा, हमारी अगर पेड लाइन की कोडिंग बताए कि नहीं नेटवर्क में कौन कौन सी पेड लाइन है? पता है। अगर कोड लाइन को देखते ही अगर हम अगर डेटा शीट में अगर पेड लाइन की अगर कोडिंग देखेंगे कहां से जा रहा है, कहां से जी आ रहा है, कैसे काम कर रहा है, सब बताए, एक एक पेड लाइन बताए हम। यस सर। हमारे आरएफआईसी के क्या प्रोटोकॉल होंगे ये बताए हमको? यस सर। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। चलिए तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, जिसका नाम है अभय कुमार। तो अभय, एशिया टेलीकॉम में आज आपकी नेटवर्क की क्लास, तो बताइए कि 10 बजे क्या नॉलेज था और अभी 11 बजे क्या? 10 बजे नॉलेज कुछ नहीं था नेटवर्क के बारे में, लेकिन अब नॉलेज हो गया, बहुत अच्छा नॉलेज हुआ है। अब सब नॉलेज हो गया है, सीपीयू से कौन सी लाइन आती है, कौन सी लाइन जाती है, डीसी टू डीसी इलेक्ट्रॉन आईसी आती है, पावर आईसी से कौन लाइन आती है, सब पता है, सब पता है। अच्छा, तो नेटवर्क बनाने में अभी हम सक्षम है कि नहीं? सक्षम है। अगर नेटवर्क की सारी आईसी निकालने में लगाने में प्लस पेड लाइन के लिए सक्षम है कि नहीं? सक्षम, बिल्कुल सक्षम। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। तो चलिए मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, नाम बताइए। मेरा नाम हुसैन है, राजस्थान से। हुसैन, ये बताइए मुझे कि 10 बजे आपको क्या नॉलेज था और अभी क्या नॉलेज है? सर, पहले तो कुछ नॉलेज नहीं था, जैसे नो सर्विस आता है और नेटवर्क अप डाउन होता है और इमरजेंसी कॉल पे आ जाता है तो क्या करना होता है, वो कुछ पता नहीं था। सुबह में देव सर की क्लास थी, उन्होंने एक एक चीज़ की उन्होंने जानकारी दी है, कैसा करना है, क्या क्या सोल्यूशन है उसके, वो सारा सर ने हमको बताया है सर। और हमने प्रैक्टिकली भी किया, एक एक लाइन को ट्रेस भी किया है और सब एक एक चीज़ बताया। हमको अगर 100 की लाइन ढूंढना हो, आरएफ 100 की लाइन ढूंढना हो हमको, आरएफ की आरएफएपी ढूंढना हो, डीआरएक्स की आरएफएपी ढूंढना हो हमको, हमको 2GPA की आरएफएपी ढूंढना हो, एपीटी की आरएफएपी ढूंढना हो, एपीटी को हमको एपीटी के वोल्टेजेस को बाईपास, एपीटी को तो हम बाईपास नहीं कर सकते, बाकी हम उसके वोल्टेजेस को बाईपास कर सकते हैं। और हमने लाइव प्रैक्टिकल क्लास में एपीटी को फेलियर को हमने बाईपास करके बनाया भी, आपके सामने लाइव बनाया है, देव सर ने बना के बताया आपको। तो ये सारी चीज़ें को सॉल्यूशन है कि नहीं? जी सर, सब हर चीज़ का सॉल्यूशन सर ने बताया हमें, कर सकते हैं एक नेटवर्क सेक्शन के प्रोटोकॉल वाली आईसी होती है, फ्रीक्वेंसी चलती है और ये फ्रीक्वेंसी वाली आईसी को निकालने लगाने का तरीका तरीका जो होता है वो थोड़ा सा। चलिए हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, हमको नाम बताइए। पहले नेटवर्क की आईसी को ऐसे ही लगा देते थे, लेकिन सर ने जो हमको तरीका बताया किसको रिबाउंड करके लगाते हैं वो सारा हर चीज हमने सर ने बताया। चलिए तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, इसमें दो लाइन वोल्टेज का नाम बताइए। डीसी टू डीसी से आता है तो ग्रामो की 10 बजे क्या नॉलेज और अभी क्या नॉलेज है? तो पहले नेटवर्क आईसी के बारे में कोई नॉलेज नहीं था कि कौन सा कोई है, रजिस्टर वगैरह कैसे वर्क करते हैं, कहाँ से कितना वोल्टेज आता है, और पता भी नहीं था कि कैसे बाईपास करते हैं वोल्टेज वगैरह को। वो सारी आरएफआईसी ऐसी होती है, सब बोर्ड में से जो नेटवर्क आता है उसको कैसे ट्रेस करना है वो भी सर ने हमको बताया। सब बोर्ड से लेकर आपको नेटवर्क के एंटीना से लेकर तो आईसी के अंदर तक या सीपीयू के अंदर तक सारी चीजें बताई आपको। क्या आपने उसी का प्रैक्टिकल किया है यहाँ पे? आपको एंटीना की पेड लाइन का कितना जीआर मिलेगा? आपके एंटीना की पेड लाइन अगर कोई पूरी निकाल देता है, हेलो, आपके एंटीना की पेड लाइन पूरी निकाल देता तो आप बना सकते हैं? बिना डायग्राम सब बोर्ड में नहीं होगा तो भी कैसे नेटवर्क चेक करना है वो भी चेक करना, तो हम उसके आधार पर बना सकते हैं। तो अगर हमको कोई चीज हमको जो आरएफपी होती है उसकी क्या रोल काल है तो ये हमको पता है, कहाँ मिलेगी ये पता है, किन कंपोनेंट से होके मिलेगी ये पता है। मोबाइल रिपेयरिंग का काम आता है, सिर्फ YouTube देखकर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, क्यों अपनी शॉप का नुकसान करवा रहे हो? आज ही कॉल करो MD सर को और अपनी प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए बात करो। तीसरे दिन में लाइव पावर लगा देंगे और चौथे दिन में लाइव CPU, वो भी गारंटी से। बहुत ही कम फीस में आप सीख सकते हैं iPhone का मास्टर सर्किट लेवल का कोर्स, वो भी ऑनलाइन। अब दुकान पर काम के साथ सीखो भी। इस कोर्स में आपको मिलेगा रिगल 4 चैनल DSO और UTD 2 चैनल DSO की कंप्लीट ट्रेनिंग, जिसकी फीस मार्केट में 20 से 80 हजार तक होती है। अभी डाउनलोड करें।
होता है क्लास? यस सर। तो आज आपका आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था आज? सीपीयू माउंट रिमाउंट। अच्छा किस किस लिए करा ये? यस सर। करा? यस सर। एक बार करा कि बार बार करा? बार बार करा।